बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटी, और आज हम दो फ्लेवर जो है वो मिक्स करेंगे, देसी और चाइनीज। फुल देसी फ्लेवर भी आपको इसके अंदर मिलेगा और फुल चाइनीज फ्लेवर भी इसमें आपको मिलेगा। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं बताती चलूँ इंग्रेडिएंट्स आपको। यहाँ मैंने बंद गोभी ली है 1 कप, जिसे छोटे छोटा काट लिया है। गाजर ली है जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। जलन कट एक बड़े साइज की गाजर ली थी जो 1 कप बन गई है। 1/2 कप प्याज ली है मैंने यहाँ पर, और अंडा कट जिसे काटते हैं वैसे इसे काट लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप ही पोटैटोस लिए हैं जो इस साइज के मैंने कट किए हैं। ये मैं क्या करूँगी, ये मैं गार्निश के लिए लूँगी, इसके साथ में इसे ऐड नहीं करूँगी। 1/2 कप मैंने यहाँ पर बॉयल मटर ले लिए हैं, क्योंकि मटर को गलने में वक्त लगता है। और 1/2 कप एक बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ले ली है। यहाँ पर मैंने स्पाइसेस में लिया है कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये परफेक्ट है बिल्कुल। 1/2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पर मैंने चाइनीज़ टमाटो सॉस ली है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत यमी, बहुत मज़ेदार होती है और स्पैगेटी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। ऑरिगेनो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। 1/2 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। स्पैगेटी को बॉयल करने के लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने खुद भर के लिया था तो 2 टेबल स्पून के करीब है यहाँ पर। और अब इसी के अंदर जो है मैं पूरी स्पैगेटी इस तरीके से रख दूंगी। और जब एक तरफ से ये नरम हो जाएंगी तो फिर हम स्पून की मदद से इसे बाकी को भी अंदर कर देंगे। बस चंद सेकंड लगते हैं इसे करने में। और दूसरे चूल्हे पर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। पैकेट पे दिए गए इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है आपने इसे बॉयल करना है तकरीबन 7-8 मिनट। तो ये देखें, खुद ब खुद ही नरम होने के बाद अंदर हो गई। आप चाहें तो इसे 2 हिस्सों में तोड़ कर भी जो है ना वो तब भी बॉईल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, और बिल्कुल देर किए बगैर ही, ताकि हमारी वेजिटेबल्स में गार्लिक फ्लेवर ऐड हो, तो इसलिए इसमें हम गाजर ऐड कर देंगे, साथ में हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। बॉइल मटर ऐड करेंगे, और यहाँ हम ऑनियन ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे और तमाम सब्जियों को हम तकरीबन 50-50% ही कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, वरना ये जो है ना पानी छोड़ देंगी। और इसके ऊपर कभी भी कवर मत लगाइएगा। बाद लोग जो है सब्जियों को गलाने के लिए कवर कर देते हैं, लीड लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि वेजिटेबल्स जो होती हैं वो पानी छोड़ देती हैं। तो स्पैगेटी बनाने के लिए जब ख़ास करके चाइनीज़ बना रहे हों तो उसके अंदर बिल्कुल भी आपने जो है ना कवर नहीं लगाना है। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा, पिसी हुई मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा, वरना सब्जियों का जो कलर होता है ना वो बहुत ही ख़राब लगने लगता है। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर, और यहाँ पर साथ में हम सिरका ऐड कर देंगे। सोया सॉस भी ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि वेजिटेबल्स का कलर ख़राब हो जाता है। और जो हमने चाइनीज़ टमाटो सॉस लिए ना, उसके अंदर जो है ऑलरेडी सोया सॉस मिक्स है।
बड़े यमी तरीके से हम बना रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अब हम इसमें जो बंद गोभी है 1 कप वो भी ऐड करेंगे। तो जनाब वेजिटेबल्स हमारी हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हमने जो है सेम कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। अब हम और यहाँ पर जो है हमारी स्पैगेटी हो चुकी है, तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चाइनीज सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और यहाँ ऐड करेंगे हम तकरीबन 1/4 कप के करीब पहले ऐड करेंगे हम यहाँ पे चाइनीज टमाटो सॉस, और अगर हमें ज़रूरत लगी तो फिर हम ज़्यादा ऐड करेंगे इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सबको। और इसे हमने मिक्स कर लिया अच्छे से, बाकी की सॉस भी डाल दी थी हमने, तकरीबन 1/2 कप के करीब डाली है चाइनीज़ टमाटो सॉस। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर आप जो है ना वो केचप डाल लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर मैं वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ, तो ये देखें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी वेजिटेबल्स और स्पैगेटी को। पोटैटोज भी तकरीबन हमारे हो चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। चलिए पोटैटोज हमारे पास हो चुके हैं, इसके अंदर हम मिलाएंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि हम गार्निश कर रहे हैं इससे। और यहाँ हम थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, और जनाब ये देखें हमारी चाइनीज एंड देसी स्टाइल की बनी हुई स्पैगेटी, वेजिटेबल स्पैगेटी, फुल वेजिटेरियन है ये, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रही है और बहुत यमी बनी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।